मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो हमारा इंटरव्यू बेस्ड है वो है स्टेनोग्राफर, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स वेरी वेल कि स्टेनोग्राफर जॉब इंटरव्यू आर वेरी मंडेटरी, और कोर्ट क्लर्क तो इंटरव्यूज रिगार्डिंग दिस रिपोर्टर वर्क्स एंड ऑल दिस आर मंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट। और ये जो इंटरव्यू सेशन है ये बहुत जरूरी है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शॉर्ट एड सीखा हुआ है और जो जा रहे हैं इस प्रोफेशन के अंदर, और आने वाला करियर स्टूडेंट्स इसका आप अच्छे से जानते हैं बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्पीड हम जितनी मर्जी बढ़ा लें हम अपनी टाइपिंग स्पीड को इतना एवरेज नहीं ले जा सकते जितने की जरूरत होती है, और कोर्ट के अंदर लोग स्पीड में बोल जाते हैं। तो टुडे वी हैव तमन्ना इन फ्रंट ऑफ अस, शी इज गोइंग टू गिव दिस इंटरव्यू। आई होप हमारे जितने भी स्टेनोग्राफर एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उनको इस इंटरव्यू से बेनिफिट मिलेगा, और जो क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं वो वहीं से ही फ्रूटफुल रहेंगे और एवरेज वही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। सो आर यू कंफर्टेबल? यस। ओके तमन्ना, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज वगैरह क्या है। सर, आई एम अ ग्रेजुएट पर्सन। ओके। एंड माय हॉबीज आर लाइक लिसनिंग न्यूज एंड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर एटलीस्ट 3 to 4 आवर कंटीन्यूअसली एंड वर्किंग ऑन माय टाइपिंग स्पीड एज वेल एंड लर्निंग द न्यू लैंग्वेज इन शॉर्ट हैंड। ओके, आप टाइपिंग स्पीड भी जानते हो शॉर्ट हैंड वगैरह भी। अच्छी, तो आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है? सर, माय टाइपिंग स्पीड इज 60 वर्ड्स पर मिनट। वेरी गुड। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है जिसमें हाईएस्ट टाइपिंग स्पीड है? इट वाज 216 वर्ड्स पर मिनट। ओह माय गॉड। तो क्या लगता है आपको, यानी कि लोग शॉर्ट हैंड की तरफ क्यों आए आपके हिसाब से? सर, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रोइंग प्रोफेशन इन द, जैसे कि मेडिकल कोर्ट्स होते हैं या फिर जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे जजेस, और बहुत सारे लोग बहुत स्पीड में बोल जाते हैं। yes. उस चीज को, हर एक चीज को लिखना बहुत मुश्किल है, और शॉर्ट हैंड एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज करके, सीख के फटाफट एब्रीवेशन यूज करके शॉर्ट फॉर्म में सारी की सारी बात लिख सकते हैं। right. जो की बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आज के दौर में मैं ये कहूंगा की कोर्ट ट्रांसक्रिप्शनिस्ट और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, इन दोनों में स्टेनोग्राफी का बहुत रोल है। yes. और शॉर्ट हैंड प्लेज अ वाइटल रोल। राइट। ओके, मुझे बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है? सर, माय हॉबीज इज बेसिकली दिस ओनली कि टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, टू नो मोर अबाउट दिस प्रोफेशन, मतलब अपने आप को बिजी रखने प्रोफेशन में ताकि एक नए मुकाम तक पहुंच सके। ओके, आपने शॉर्ट हैंड की तरफ क्यों रुझान बनाया और इसके बेनिफिट्स क्या है? सर, शॉर्ट हैंड के ये बेनिफिट्स है, जैसे कि एवरेज स्पीड मेरी 60 वर्ड्स पर मिनट है। शॉर्ट हैंड अगर मैं सीख लूंगी तो मैं मिनिमम 216 का रिकॉर्ड मैं नहीं बना सकती, बट मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकती हूँ, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकती हूँ, और जो जिसमें मुझे जिस फील्ड में जाना है, जिसमें जिस तरह रिक्वायरमेंट इसकी है, तो मैं इजिली जॉब कर सकती हूँ। शॉर्ट हैंड एक तरीका है इस प्रोफेशन को पूरा करने के। ओके, सो आपको लगता है कि अगर हमें कोर्ट रिपोर्टर वगैरह बनना है तो शॉर्ट हैंड एक स्पीड हमारी अच्छी हो तो हमें वो एडवांटेज देते हैं वहां पर? इसका मेन गोल यही है कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसको लिखना। ओके, इन अ वेरी गुड, इन अ वेरी हाई स्पीड। वेरी राइट। तमन्ना, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस? सो माय स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्कर पर्सन, एंड द वीकनेस इज नथिंग मच। ओ, कुछ तो वीकनेस होगी आप में, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, तो क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ वीकनेस है? No, that nothing that much specially, but not that much in good and in bad, because I always work on the computer. Okay, so इस करके आपको ज़्यादा अपना जो focus है वो short end और typings वगैरह को लेते हो? Okay, very good. What is your happiest moment of life, Tamanna? So when I got 94% in 12th, and when I just passed my 12th, then I got 95%. Okay. आपको मालूम है तमन्ना कि अगर आप स्टेनोग्राफी कोर्ट के अंदर अपनी जॉब वगैरह लेते हो तो किन तरीके के लोगों को आपको राइट करना पड़ेगा उनके मैटर को, किस तरीके के लोगों का? लाइक कोई क्रिमिनल केस है। ओके। कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस है, देयर आर लॉट ऑफ, मतलब यू क्योर्स एवरीवेयर दैट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिटेल सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द केस। बिल्कुल। एंड अ मेडिकल फील्ड यू ऑल्सो नीड टू राइट ईच एंड एवरीथिंग फॉर द पेशेंट्स वेलफेयर और फॉर द एवरीबॉडीज वेलफेयर, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी डिटेल। सो शॉर्ट हैंड, बाय यूजिंग शॉर्ट हैंड इजीली वी कैन डू इट। ओके, वेरी राइट। तमन्ना, व्हाट डू यू थिंक, लाइक आप अगर अपने आप को कॉम्पिटेटिव मानते हो तो कोई प्रूव कर सकते हो कोई एग्जांपल से कि आप वाकई में कॉम्पिटेटिव गर्ल हो? यस सर, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने वर्क किया है काफी जगह पे। मिनिमम शॉर्ट हैंड को सीखने में मुझे काफी टाइम लगा, 5 to 6 मंथ्स आई प्रैक्टिस, एंड आई यूज आई प्रैक्टिस इन अ डेली लाइफ ऑल्सो सो दैट आई कैन इजिली स्पेशलाइज इन इट। वेरी गुड। एंड मोर ओवर एक्सपीरियंस मैंने ये कहा है कि मैंने बहुत जगह काम किया है, वो लोग बहुत अप्रिशिएट हुए हैं, उन्होंने मुझे काफी ऑफर्स दिए हैं, और इजिली यू कैन सी मेरे बहुत जगह बैनर भी लगे होंगे। ओके, वेरी रेप्यूटेड फॉर्म आई वर्क बिफोर एटलीस्ट 1 month अगो। वेरी गुड। तमन्ना, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया है, तो आपके एक्सपीरियंस से आपकी जो स्पीड है, जो आपका जो वर्क का जो कल्चर है, जो आपके पास नए वर्ड्स है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ? ओके।
चाहिए। अब आपको लगता है कि आप किसी भी वर्ड को, खास करके कोर्ट में जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और उन वर्ड्स को थोड़ा सा जानना अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक फ्रेशर हम नहीं ले सकते, राइट। तमन्ना, हमारे पास यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसी पोस्ट के लिए आई है स्टेनोग्राफर के लिए, और वो भी आउटसाइड वेट कर रहे हैं कि हमें भी ये जॉब मिले, तो हम आपको ये जॉब क्यों दे आपके हिसाब से? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल आस्क यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम नॉट अ फ्रेशर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सपीरियंस पर्सन, एंड सेकेंडली यू हैव टू चेक बिटवीन बोथ ऑफ अस हु इज मोर कंफर्टेबल एंड हु कैन डू द जॉब बेटर, देन ओनली यू कैन डिसाइड। ओके, तमन्ना, मान लो इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? I will not give up. I will try once again and give my better so that you can select me. Okay. आप टीम में काम करना पसंद करती है या अकेले? It's depend upon the situation. If it needs only me, then I can do it very well. If it needs a coordination, then it's obviously teamwork. Very good. क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है कि आप टीम में कार्य करते हैं या अकेले, और अगर आप बोल देते हैं कि सर मैं अकेले कार्य करके खुश हूं तो ये शो करता है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश नेचर के हो, और अगर आप बोलते हो एकदम से टीम का वो थोड़ा सा डिपेंडेंसी भी शो करती है। तो द राइट आंसर इज दैट कि सर मैं मुझे कंटिन्यू, सर ऐसा नहीं है कि मेरे को जरूरत पड़े, अगर नेसेसरी है तो मैं अकेले काम करके तैयार हूं, मुझे कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, टीम में वर्क करना एक अच्छी बात है, और अगर हम टीम में चलते हैं सबको लेकर तो डेफिनेटली हमें आउटपुट या रिजल्ट्स जो है ज्यादा फ्रूटफुल मिलते हैं। तमन्ना, मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से कि अगर आप मान लीजिए सिलेक्ट हो भी जाते हैं और आने वाले टाइम में आपको इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप हमें लीव कर देंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी बोला कि आप एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं से आप छोड़कर ही आए होंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे या थोड़े समय के लिए आपने प्लानिंग करी है? सर, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे बेनिफिट कहाँ हो रहा है, मेरी फैमिली अकॉर्डिंग टू मी, सारी कंडीशंस को मैं नजरअंदाज करते हुए उसके बाद अपनी डिसीजन होगी। अगर मुझे यही बेनिफिट्स मिल रहे हैं एंड माय एवरी नीड इज सेटिस्फाइंग, सो व्हाई विल आई लीव द जॉब, एंड इफ नॉट सेटिस्फाइड देन आई विल डेफिनेटली लीव द जॉब। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि देखो दो तरह के सेटिस्फेक्शन है जीवन में, वन इज जॉब एंड अदर इज मॉनेटरी। अगर ये दोनों पैरेलल चलते हैं देयर इज नो रीजन ऑफ चेंज, और एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली देयर इज नो रीजन फॉर मी आल्सो टू मेक अ मूव। तो ये एक अच्छा साइन है कि एज ए स्टेनोग्राफर आप शॉर्ट एंड वगैरह का एक्सपीरियंस है आपको, और ये एक्सपीरियंस आपका आपकी जॉब को ही मतलब इंक्रीमेंट दे रहा है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप दोनों पैरेलल चले तो आप क्यों छोड़ोगे, राइट? वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि आपने मान लीजिए जॉब प्राप्त कर ली तो आप हमारी कंपनी में क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, क्या डिफरेंस डालेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोर्ट में लगते हैं? क्योंकि देखो इस स्टेनोग्राफर जॉब के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मेडिकल क्लासिफिकेशन भी लोग लगते हैं, कोर्ट में भी लोग लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी लगते हैं, अपने का अपने फॉर्म्स वगैरह में ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क्स है इसमें जहां भी आप जाते हो तो आपकी तरफ से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहते हैं? हर बार सीजन होता है हर चीज का, जैसे कि सीजन जैसे पीक सीजन है या फिर लीन सीजन है, डिपेंड्स व्हेन योर हार्ड वर्क इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू मस्ट हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट 9 to 10 hours, सो आई हैव दैट मच कैपेबल दैट आई कैन इजीली वर्क फॉर 10 to 8 hours। और वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि कई बार सच का आपने कई बार सीजन बिल्कुल हर चीज का सीजन है दुनिया में, तो कई बार केसेस भी एकदम से अबंडेंस आ जाते हैं, उसमें आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है वर्क का, और उस समय आप यानी कि हार नहीं मानते, आप उस चीज को कवर अप कर लेते हैं। वेरी गुड। सो आई होप स्टूडेंट्स कि जो कुछ भी आपने अभी तक स्टेनोग्राफर रिलेटेड बातें पूछी या सुनी, ये जितने भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं यही इंटरव्यू का दौर चलता है। इंटरव्यूअर आर नॉट एंजल्स फ्रॉम द हेवन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस, एंड द क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन कि हम आपको क्यों लें, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है, आपका 5-year प्लान क्या है, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, यही कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो अगर हम अच्छे से तैयार कर लें तो वेल एंड गुड है कि हमारे सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि इस सेशन से, छोटे से सेशन से हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट जरूर मिलेगा जो स्टेनोग्राफी शॉर्ट एंड सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंटरव्यू प्लेज अ वाइटल रोल हियर, अगर आप उस पर अपनी कमांड बना लें। एक लास्ट में मैं अपने वीडियो में हमेशा एक टिप जरूर देता हूं, इसीलिए लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। वो टिप आज का ये स्टूडेंट्स कि अगर आप स्टेनोग्राफी में जा रहे हैं तो आपकी जो कमांड है इंटरव्यू देने में, बातचीत करने में, वो दोनों लैंग्वेज से होनी चाहिए। क्योंकि कल जब आप इस जॉब को कर रहे हैं एट दैट टाइम आप हैंड रेज नहीं कर सकते कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आप हैंड रेज नहीं कर सकते कि मुझे हिंदी नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एट दैट मोमेंट दे विल प्रेफर द पर्सन हु नोज दैट इज बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस, सो दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस जॉब। आई होप आप हमारी ये टिप समझ गए होंगे। अदर देन दैट स्टूडेंट्स, इंटरव्यू से बेस्ड हमने आपको 1100 और वीडियोस दे रखे हैं, आप गो देम, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स ओवर देयर रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू, इंग्लिश, ऑल दिस थिंग्स।
So I hope, students, you would be enjoying our channel and enjoying our 1100, 1200 other videos also. So let us give thanks to Tamanna for participating in this video, right? So thank you, Tamanna. Thank you for participating.